friends, I hope you understand four theorems perfectly. Then start the theorem 5. The perpendicular bisector of a chord passes through the center of circle. Means हमें प्रूफ करना है कि कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी कॉर्ड का, वो सेंटर से पास होएगा. तो हमें प्रूफ करना है इस चीज़ को. तो हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, और कॉर्ड ए बी दिया है, और एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है. टू प्रूफ, एल पासेस थ्रू सेंटर ओ ऑफ सर्कल, मीन्स सर्कल के सेंटर ओ से पास होगा एल. तो प्रूफ है हमारा. सपोज एल डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ, किस सेंटर ओ से नहीं जा रहा है, हमें प्रूफ करना है क्योंकि वो वहाँ से जाएगा, इसलिए मान लेते हैं वो वहाँ से नहीं जा रहा है. तो टेक सेंटर ओ एल वे है बट नॉट एन एल, नाउ ज्वाइन ऑस, मीन्स कि हमें सेंटर ओ को कहीं और लेना है बट एल पे नहीं लेना है, और ओ सी को ज्वाइन करना है. अब ओ सी को ज्वाइन किया, वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर सर्कल के सेंटर ओ को मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी पर जोड़ रही है. तो हमने अभी थ्योरम 4 पढ़ी थी कि कोई भी सेंटर से आई हुई लाइन मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के. तो ये ओ सी परपेंडिकुलर हो गया कॉर्ड ए बी पे. अब सिंस एल परपेंडिकुलर ए बी है, तो हमारा एल परपेंडिकुलर ए बी है, तो टेक पॉइंट हम कोई भी पी ले सकते हैं उस पे पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ लिया है. तो हमारा एंगल पी सी इक्वल्स टू 90 होगा. अब हमारा ओ सी एंगल भी 90 है क्योंकि वो वहाँ से आ रहा है, तो परपेंडिकुलर है. ये तो एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, लेकिन हम बता सकते हैं कि ओ सी पी मतलब एंगल ओ सी ए को हम ले सकते हैं ओ सी पी और पी सी ए इक्वल्स टू 90. इन दोनों को जोड़ने पे तो 90 आ रहा है, हमें पी सी ए भी पता है 90, तो ओ सी पी क्या होगा 0, क्योंकि 90 माइनस हो जाएगा 90 में से. तो ये तभी पॉसिबल है जब ओ सी लाइन एल पे लाई करेगी, ये इसीलिए पॉसिबल है. देयरफॉर पॉइंट ओ लाइज ऑन एल, मीन्स पॉइंट ओ तो पक्का और लाइन एल पे ही आएगा, और हमारी थ्योरम पास प्रूफ हो गई. देयरफॉर एल पासेस थ्रू द सेंटर ओ. अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो और अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आस्क इन कमेंट बॉक्स. एंड बाय, थैंक यू.